गुड मॉर्निंग गाइस, ऐसा सा कुछ अभी उठा हूँ क्या ऐसा सा कुछ भी नहीं अभी उठा हूँ तो मैं सोचा थोड़ा रिकॉर्ड कर लेता, थोड़ा लेट उठा मैं, आराम से सोया, मस्त नींद आई थी, रात को रही थी बारिश, तो ऐसा सा कुछ मेरा रूम है यहाँ पे। मतलब ये आपको कोटेज टाइप देते हैं पूरा, ये डीलक्स है, इससे ऊपर है सुपर डीलक्स, और आपको यहाँ पे रहने के लिए वो मिलते हैं क्या बोलते हैं हट हट दिए। तो मेरे को यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कैमरा फ्लिप करती हूँ पहले, क्या मैं सुबह सुबह सकल देखोगे। ग्रीन ग्रीन हो जाता है ना पूरा, और काफ़ी जगह बीच में पूरी दीवारों पे ग्रीन ग्रीन रखा जाता है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत प्यारा लगता है कलर, और दिन में तो और ज़्यादा प्यारा लगता है जब धूप पड़ती है। इस पर कुछ ऐसा सा व्यू है मेरे सामने से, और ये मेरी बाइक खड़ी जिसे मैं सुबह एक बार मिल चुका हूँ, सॉरी भी डाल दी, बस आज देखता हूँ उसको लेके जाऊँगा, मेरे को धोने का मन है इसको, तो शायद आज का मैं प्लान कर रहा हूँ मैं किसी वाटरफॉल या नदी के किनारे जाऊँगा, थोड़ा सा अपने टाइम स्पेंड करूँ, बैठेंगे बाइक धोएंगे, थोड़ा अपने आपको टाइम देंगे। तो बहुत अच्छी लग रही है बाइक सुबह सुबह। तो जिस प्रॉपर्टी में रुका हूँ ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है, तो अगर आप लैंसडाउन में आते हैं, लैंसडाउन में सबसे ऊपर टॉप पे यही है, ये मे बी सेमी गवर्नमेंट कुछ ऐसा है, तो आप यहाँ आके बुकिंग करा सकते हैं, और एक ऑनलाइन अभी इनकी बुकिंग स्टार्ट हुई है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाते हैं टिप एंड टॉप करके है, तो आपको इसमें अच्छा खाना मिलता है, रहने के लिए भी अच्छा है, क्लीन है, ठीक है, और व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से, ये बिल्कुल टॉप पे है जहाँ एक पॉइंट के लिए लोग आते हैं वहीं पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो टॉप पॉइंट है उससे कैसा दिखता है। तो ये इसका व्यू है बैक साइड का। अच्छा बसेस भी ने दो खड़ी कर रखे, उसमें रहने के लिए बना रखा है कुछ कैंटीन एरिया, वो दो इनके पास हट है अगर किसी को रहना पसंद हो। ऐसा सा कुछ व्यू है यहाँ से, तो मैंने इसी व्यू के लिए आते हैं सब लैंसडाउन में जो टॉप है। तो रात को बादल हो रखे थे, बादल अभी भी हैं, बारिश कंटिन्यू आ रही है, वहाँ पे वो पॉइंट है तो नीचे से उसका रास्ता है, और लोग वहाँ पे आके अपना टिकट लगती है, पहले नहीं लगती थी, अब तो टिकट लगती है, तो मैं अभी तक गया नहीं उस पॉइंट पर, मैं जाऊँगा देखूँगा, बट यहाँ का सबसे बेस्ट व्यू यही, इस गार्डन में आके बैठो, कॉफ़ी सुबह सुबह पियो और ये देखते रहो। बादल हैं नहीं तो बस काफ़ी दूर तक दिखता है, पीछे वाले पहाड़ दिखते हैं, उनको बर्फ़ होती है हमेशा। तो कुछ ऐसा पूरा कंप्लीट व्यू है, बादल हो रखे हैं, ये बस इस भी रेंट के लिए खड़े कर रखे हैं। अभी सुबह सुबह इतनी एनर्जी नहीं है, मैंने सोचा है बच्चों को रिकॉर्ड कर ही लेते हैं थोड़ा, व्यू बहुत प्यारा है। मॉर्निंग का टाइम, सबसे पहला टाइम कि बाइक को साफ कर, बाइक को क्लीन किया, और हम अब मैं और मेरी बाइक जा रहे हैं घूमने के लिए। तो मैंने सुना है यहाँ पे एक वाटरफॉल है जहाँ 40-45 किलोमीटर उधर, तो हम वहाँ जाएंगे, और उसके सिवा यहाँ पे एक मंदिर है शिवजी जी का, वो भी काफ़ी फेमस है, तो हम वहाँ भी जाएंगे। तो इन दोनों जगह पे अभी अच्छे व्यू के साथ एक दिन मैंने कुछ नहीं किया, 24 घंटे हो चुके हैं मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, पूरा दिन रेस्ट किया है, इस व्यू को एंजॉय किया, तो अब टाइम है कि कहीं घूम के आने का। तो आज का मेरा प्लान है कि यहाँ पे एक बहुत फेमस मंदिर है, ताड़केश्वर करके नाम है, शिव जी महादेव जी का मंदिर है, तो हम वहाँ जाएंगे, उसके बाद एक झरना है यहाँ से 40-45 किलोमीटर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ जाऊँगा, और यहाँ पे एक झील भी है, तो जैसे जैसे मैं जाऊँगा आप लोगों को मैं वहाँ के बारे में बता दूँगा, और कहाँ पर वो पड़ेगा उस एरिया का नाम भी बता दूँगा, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो फ्यूचर में आप भी जा सकते हैं। और आज है मन घूमने का, कल मैंने कुछ नहीं किया, कल अपनी अच्छी नींद पूरी किया, क्योंकि फीस के साथ बहुत अच्छी नींद आई मेरे को, रात में बारिश हो रही थी, वेदर बहुत अच्छा था, तो आपको वीडियो में दिख गया होगा क्योंकि मैंने उसको रिकॉर्ड किया, रात को थोड़ा बहुत की बारिश हुई है,
जिन लोगों ने मेरी स्टोरी देखी है तो उनको पता है कि साथ के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कैसा वेदर है और क्या क्या मैंने किया है। तो आप लोगों ने अब तक नहीं देखा था, मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपको बाइक पर मिलता हूँ, आपको थोड़ा रास्ते के यहाँ दिखाता हूँ, बहुत प्यारे प्यारे रास्ते हैं यहाँ पर और बहुत अच्छे भी आते हैं। तो ये हम निकल गए अपने डेस्टिनेशन के लिए भाई साहब। मौसम काफी अच्छा है, बादल हो रहे हैं, तो 3 बजे तक 4 बजे तक बारिश हो जाएगी। बेसिकली मैं मंदिर में आया था, मंदिर जाने का रास्ता ही है, बट मुझे वहाँ से वो रास्ता दिखा तो मैं अब सोच रहा हूँ कि मेरे को वहाँ से ऊपर जाना है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, चढ़ाई है बिल्कुल, तो मैं ट्राई करता हूँ चीज़ पॉसिबल और नोट, चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। मुझे खुद नहीं पता कि आगे क्या है क्या नहीं, तो बस चल के देखते हैं। इसको पैर के निशान है, यहाँ पर लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छा रास्ता भाई। तो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, बट हाँ मुझे रोड अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैं आ गया, क्योंकि किसी का पर्सनल है भाई, कोई दबा देगा तो इससे अच्छा खुद निकल जाओ। बट रोड छोटा सा है, अच्छा सा रोड है, क्योंकि कम गाड़ी आते तो देखो पूरा ग्रीन रोड है। तो यहाँ पे ज़्यादातर रोड आप कैसे मिलेंगे, आप दिख रहे हैं ना कैमरे में, तो पूरे रोड पर काई लगी हुई है, मतलब कि हाँ बारिश होती है तो कुछ यहीं ऐसे ही वेदर रहता है। तो ये हमारे होटल के पास में एक मंदिर है, ऊपर जाके माता का मंदिर है, तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये संतोषी माता का मंदिर, तो मेरे होटल वाले ने बोला था काफ़ी अच्छा मंदिर है, वहाँ जा सकते हो, एक बार चले जाना पास में, तो मैं इसलिए आ गया था। ये हमारी बाइक है, तो आपने भी देखा होगा वो रास्ता ना, ऊपर एक रास्ता जा रहा है दिखने तक, वो दिखाता हूँ वो, और ऊपर जाकर ऊपर चढ़ रहा है, पूरा रोड ग्रीन हो रहा था काई, क्योंकि वहाँ कोई जाता नहीं है, ऊपर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है। और बहुत अच्छा था, मैं गया था, आपने देख लिया होगा। अब हम मंदिर में चलते हैं, तो जो भी थोड़ा बहुत होता है मैं आपको उस मंदिर के बारे में बताता हूँ। इस एरिया की सबसे अच्छी बात पता है क्या, जो मेरे को अभी तक लगी, मुझे नहीं पता मैं वीकेंड पे आया हूँ उसकी वजह से है, या सॉरी वीकडेज में आया उसकी वजह से है, या किस और वजह से, बट यहाँ बहुत पीस है, बहुत कम लोग हैं, कम व्हीकल हैं, और खाली खाली रोड है, ग्रीन और ब्लैक कलर के रोड है यहाँ पे, वाइट तो है ही नहीं, या तो बारिश हो रही होगी, और बारिश नहीं तो इस पर काई जमी होगी। एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने आपको सुबह बताया था कि मेरे को चीज़ बहुत अच्छी लगती है, पूरी वॉल देखो ग्रीन हो रखी है, ये पेंट नहीं है, इस वॉल पर पूरी काई लगी है, और इतना प्यारा लगता है ना नेचुरल सा ग्रीन कलर, जो बिल्कुल नेचुरल ग्रीन होता है, तो बहुत अच्छा है। मैंने बता दिया, ऊपर चलते हैं देखते हैं मंदिर में क्या है, फिर वापस आते हैं, क्योंकि बहुत जगह जाना है। ये देख लो कुछ ऐसे दिख रहे हैं, आज सुबह साफ किया मैंने इसको, पहले इसको किया फिर मैंने अपने आप को किया, क्योंकि अब हम दोनों साफ सुथरे घूमेंगे भाई साहब। चलो संतोषी माता जी का मंदिर है, ये हमारा हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत भी कर रहे हैं, तीन तीन चीज़ कर रहे हैं, देख रहे हो भाई साहब। अपनी बीस्ट खड़ी है, और बहुत बुरे साथ चढ़ गए, जूते चप्पल यहाँ उतार जाएंगे, मैं ही बता रहा हूँ, तुमने उतार दो,
पर अच्छा है मंदिर से दूर है, उतारो और चलते हैं। हाँ यहाँ से कुछ अच्छा सा ऐसे हुआ, पेड़ बहुत है, ग्रीनरी बहुत है। ये मंदिर है तो पता नहीं ऐसा लग रहा है कि ये बंद होगा, तो हम बाहर से देखने का। माता का आशीर्वाद है, बाहर से मिले अंदर से मिले मिलना चाहिए। जोत लगी हुई है अंदर, तो जोत लगा के शायद अंदर जा सकते हैं। बहुत अच्छा मंदिर है, जय माता दी। छोटा सा बहुत प्यारा क्लीन सा मंदिर है, जोत लगी हुई है, जय माता। आप सब लोगों के लिए भी माता रानी के रूप में बनाए रखें। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ बाहर, मैं आपको थोड़ा बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। तो पहाड़ों के मंदिर की खासियत होती है, छोटे थे साफ सुथरे थे, बहुत अच्छे होते हैं और पहाड़ों में होते थे। यहाँ से देखो व्यू दूर दूर तक सब दिख रहा है। और में क्यों हो रहा है, आर्मी का एरिया काफ़ी है, तो यहाँ काफ़ी आर्मी की चीज़ें आपको मिलेंगी, इसलिए एरिया क्लीन भी बहुत ज़्यादा है। जैसे रोड टूटे फूटे नहीं मिलेंगे, बहुत साफ सुथरे रोड है, तो आपको उसमें बाइक चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा। कार से भी ट्रैवल करें, जिसको ड्राइव करना या राइड करना पसंद है, उन लोगों के लिए वन टाइम विजिट तो है ये प्लेस। ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी बट पीस बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पे, बहुत शांति। अरे मेरी बाइक दिख रही है, मेरे दिखा दो वो रही। ओके मेरी बाइक दिख रही है, लोग भी आ रहे हैं नीचे और लोग शायद बाइक के साथ फोटो ले रहे हैं। ठीक है मंदिर है, तो चलो अब नीचे चलते हैं, नेक्स्ट डेस्टिनेशन में चलते हैं। अपनी माता जी का आशीर्वाद मिल चुका है, अब बोले बाबा का भी ले ले, पिताजी का भी ले लेते हैं भाई। चलो माता जी होते हैं बजरंगबली जी, बजरंगबली भगवान जरूर होते हैं, तो जय बजरंगबली। भाई देख लिया, काफी अच्छा था, काफी पीस साफ सुथरा अच्छा मंदिर। गुजारी नहीं थे मेरे, सुबह शाम आते हुए जोत लगी हुई थी लगा के, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, तो वहाँ मिलेंगे। जय माता दी, नीचे मिलता हूँ भाई, नीचे उतरने में ऊपर चढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। एक्चुअली मंदिर खोला ही मैंने था, ऊपर वाला अंदर वाला दरवाजा बंद था, तो मैंने आपको दिखा दिया होगा। चलो ठीक है मिलते हैं। माता के दर्शन के बाद अब दर्शन टाइम है, पिता के दर्शन लेने का, मतलब शिव जी के मंदिर जाने का, तो वहीं चलते हैं। तो यहाँ से 40 किलोमीटर एग्जैक्ट, 1 घंटा 35 मिनट, देखते कितने में पहुँचते हैं। जब चर्च खुला हुआ था, चर्च चलते हैं भाई साहब, आपको चर्च दिखा देते हैं, वो खुला है, चर्च चलते हैं पहले। चर्च खुला है भाई साहब, आप लोगों के लिए मेहनत चल रही है, चलाया था बंद था, बट अभी खुला है, तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा अंदर से चर्च को कैसे। तो काफ़ी पुराना चर्च है, तो ब्रिटिश के टाइम बना हुआ था, तो इसलिए मैं आपको दिखाना चाहिए, मेरे मंदिर वाली आदत हो गया। तो बहुत प्यारा है ये, देखो काफ़ी पुराना है, काफ़ी अच्छा है, लोगों ने कैसे डाल रखे हैं मुझे इतना नहीं पता, तो आप मुझे कोई लोग मेरे को बता देना। अच्छे से मेंटेन करके रखा, फ्लोर भी इसका पूरा लकड़ी का है, बहुत प्यारा लग रहा है। बैठने का कल रात को तो बंद था, अभी खुला हुआ किसी की। लिटरली मैंने चर्च के अंदर आते हुए मैंने नीचे जैसे मत्था टेक, मंदिर वैसे मत्था टेक किया, मतलब देख रहे तुम। Turns to sun rays.
निजाम प्यारे। कितने घंटे? 100 रुपये। ओके, इधर तो रख दो लेता हूँ। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ आफ्टर 2-3 घंटे की राइड के बाद। राइड काफ़ी अच्छी थी सर, काफ़ी अच्छा बैठा था बीच में, आपने देख लिया होगा तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे एंट्री है, अब एंट्री से करते हैं स्टार्ट।